हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 3, तारोज रिवार्ड। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है एक प्यार करने वाले, लविंग और थॉटफुल काइंड बेटे की कहानी है। ही वर्क्स वेरी हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज। वो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है अपने पेरेंट्स की विश पूरी करने के लिए। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको उसकी कि जो भी वो कठिन परिश्रम करता है उसका रिवार्ड मिलता है। तो अब हम ये लेसन रीड करेंगे। तारोज रिवार्ड, इसका मीनिंग है तारो का इनाम। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुड कटर जिसका नाम तारो था अपने पेरेंट्स के साथ एक लोनली हिल साइड पर, यानी कि एकांत हिल साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरा दिन वो लकड़ियाँ काटता। दो ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता। He earned very little money, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत कम ही कमा पाता। This made him sad, इसे वो बहुत दुखी रहता था। For he was a thoughtful son, क्योंकि वो एक बहुत ही अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने वाला बेटा था। And wanted to give his old parents everything they needed, और वो अपने पेरेंट्स को वो सब देना चाहता था जो वो चाहते थे। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी हट के पास बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो जब वो हवा तेज चली, क्योंकि जो उनकी जो हट थी उसमें क्रैक्स थे, तो वो हवा का झोंका अंदर आया और उसकी ठंडी हवा से सब लोग कांपने लगे। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक। अचानक तारो के पिता ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे सेक मिल जाए, अ कप ऑफ सेक। इट वुड वार्म मी एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड, इससे मेरी जो बूढ़ी हड्डियां हैं और जो मेरा दिल है वो अच्छा हो जाएगा और उनमें गर्मी आ जाएगी। विसल थ्रू होता है पास थ्रू विद अ विसलिंग साउंड, ठीक है। क्रैक्स होता है नैरो गैप्स जिसके अंदर से हवा आ रही थी। सेक होता है अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, एक पॉपुलर जापानी ड्रिंक है। लाइक फॉर इन फादर एंड के राइम्स विद वे, इसलिए उसका नाम है सेक, एक जापानीज ड्रिंक है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इससे तारो और भी दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो सेक था वो बहुत ही कॉस्टली, एक्सपेंसिव मतलब कीमती, महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा धन कमाऊँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं थोड़ा सा भी सेक ला सकूँ अपने ओल्ड फादर के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने निश्चय किया कि वो और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, अगले दिन तारो जितना सुबह उठता था उससे भी पहले उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, वो लकड़ियाँ काटता रहा, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, जब तक सूरज आ नहीं गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म That he had to take off his jacket. अब उसे बहुत गर्मी लग रही थी और उसने अपनी जैकेट उतार दी। His mouth
वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख रहा था, एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा था पसीने से बिल्कुल भीग रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े पिताजी, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो उतनी ही गर्मी चाहते हैं जैसा कि इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, जब उसने अपने पिता के बारे में सोचा तो उसने और तेज गति से लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, वो से एक्स्ट्रा मनी से वो अपने पिता के लिए वो सेक लेना चाहता था ताकि उसकी बूढ़ी हड्डियों को हिम्मत आ सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक तारो रुक गया चॉपिंग करने से, लकड़ियां काटने से रुक गया। व्हाट वाज दैट साउंड, उसने एक आवाज सुनी। ही हियर्ड, कुड इट बी, क्या ये कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये किसी पानी के बहने की आवाज है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो ने इससे पहले बिल्कुल भी पानी की आवाज़ नहीं सुनी थी, ना ही उसको याद है कि यहाँ पर कोई छोटी सी भी नदी है। ही वॉज थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लग रही थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स उसके हाथ से छूट गई, एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ की दिशा में भागा। तारो सा अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने देखा, सॉ मिस देखना, तारो ने देखा एक ब्यूटिफुल वाटरफॉल था, पानी का झरना था, बिहाइंड अ रॉक, रॉक के पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वो झुक गया जहाँ पर पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो पानी उसने पिया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वाज इट सेक, या एक ये जापानी सेक था जो वो चाहता था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको टेस्ट किया, दोबारा से टेस्ट किया, एंड ऑलवेज इट वाज अ डिलीशियस सेक, और हर बार वो डिलीशियस सेक होता, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की जगह वो सेक था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तारो जल्दी से भागा और जो पिचर पानी का जो पोट वो अपने साथ रखता था उसने उसको भरा और जल्दी से घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, मेरे पिताजी कितने खुश होंगे जब वो सेक उनको मिलेगा। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जब वो घर गया उसके पिता ने एक कप सेक का पिया तो उसको कि अच्छा महसूस हुआ और उसने कांपना खत्म हो गया उसका। स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो डांस करने लगा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दोपहर को तो उनके घर में पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई थी। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दोपहर को एक पड़ोसी उनके यहाँ मिलने आया। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, तारो के पिताजी ने बड़े विनम्रता से उनको वो सेक का कप दिया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट, जब उस लेडी ने उस सेक को पिया ग्रीडीली यानी कि लालच से, ही थैंक द ओल्ड मैन, उसने उस ओल्ड मैन का धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उस ओल्ड लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। थिंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, उसने जब ये सुना डिलीशियस ड्रिंक के बारे में तो वो जल्दी से बाहर जाकर ये स्टोरी सबको सुनाना चाहती थी। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, शाम रात तक होते होते पूरे गांव में स्टोरी फैल चुकी थी कि वहां पर डिलीशियस सेक का वाटरफॉल है। दैट इवनिंग
देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स होम। उस शाम को बहुत सारे लोग, प्रोसेशन यानी कि एक पार्टी चल रही थी वुड कटर के घर पे। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर मैन उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनता, एंड टू क सिप ऑफ द सेक, वो भी एक सिप लेना चाहता था सेक का। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक घंटे के अंदर ही वो पिक्चर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो और भी जल्दी उठ गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, उसने अपने साथ एक बड़ा पिक्चर लिया। ही ऑन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, वो उस वाटरफॉल पर पहले पहुंचना चाहता था और वहां से सेक लाना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहां पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसकी तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सारे पड़ोसी वहां जमा थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, जिसको जो मिला, किसी को पिक्चर, किसी को जार, किसी को बाल्टियाँ, वो मैजिक सेक चाहते थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तब एक विलेजर, गांव की विलेजर झुका और उसने वाटरफॉल पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने पिया फिर दोबारा से पानी पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और बड़े गुस्से से चिल्लाया, वाटर, ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे पड़ोसियों ने भी ट्राइड किया, दूसरे गांव वालों ने भी ट्राइड किया, बट देयर वॉज नो सेक, वहाँ पर कोई जापानी सेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, वो सिर्फ एक ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, उसने हमें ट्रिक की उल्लू बनाया है। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने कहा कि उसने हमें चीट किया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसको इस वाटरफॉल में गिरा देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो बहुत बुद्धिमान था। इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो एक रॉक के पीछे छुप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ही वाज नाउ वेयर, नो वेयर टू बी फाउंड, वो छुप गया ताकि उन्हें दिखाई ना दे। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, आपस में बोलते हुए और बड़ी निराशा से, गुस्से से सारे विलेजर्स वहां से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तब तारो अपने छुपे हुए प्लेस से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, उससे बड़ी हैरानी हुई। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक, जो शरबत था, डिलिशियस सेक, क्या वो उसका सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने दोबारा से अपने हाथों का कप बना के उसका उसे पिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने उस पानी को पिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वैसा ही टेस्ट था जैसे शरबत का होता है। टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा था, अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलिशियस सेक, तो उस मैजिक वाटरफॉल ने तारों को डिलिशियस सेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन जो दूसरे लोग आए थे वो ग्रीडी थे, उनको सिर्फ एक उनको सिर्फ ठंडा पानी, कोल्ड वाटर दिया था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये स्टोरी, तारो की स्टोरी और उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के एम्परर तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को अपने पैलेस में बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको 20 पीसेज गोल्ड कॉइन्स दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके अच्छेपन के कारण और दयालुता के कारण। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तब उस एम्परर ने उस मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन का नाम रखा तारो। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, एम्परर ने कहा
मैंने इसका नाम तारो इसलिए रखा है ये ताकि ये सभी को एनकरेज करें। सभी जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनका कहना माने। अब ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई, आपका लेसन कंप्लीट, इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपना काम बेटा जल्दी से कंप्लीट किया कीजिए, काम आप करते नहीं हो, बहुत स्लोली करते हो, अपना काम जल्दी से ख़त्म करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस।